हेलो फ्रेंड, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए और अंग्रेजी में बात करने के लिए ट्रांसलेशन का आना बहुत जरूरी है। और ट्रांसलेशन के लिए हमें टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए, हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर्स का ध्यान देना होगा। इनको समझाने के लिए मैंने आपके सामने अंगूर मूवी, जो एक बहुत पुरानी मूवी है, कॉमेडी मूवी थी, उसके कुछ पिक्चर्स लेकर आया और साथ में सबटाइटल्स भी है जो हिंदी और इंग्लिश में है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ट्रांसलेशन की कुछ बारीकियों को आप समझेंगे और सेंटेंस मेकिंग कैसा होगा, कौन सा टेंस का यूज़ किया जाएगा, वोकैबुलरी कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्या हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, अक्षर ट्रांसलेट करेंगे, ये सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक पहला प्रयास है, पहली बार मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, सबटाइटल्स मूवी के सबटाइटल्स के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। दोस्तों, बिना समय बर्बाद करें हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू हैव सीन मी नेकेड, क्या तुमने मुझे नंगा देखा है? व्हाट यू हैव सीन मी नेकेड, क्या तुमने मुझे नंगा देखा है? तो दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, इसलिए हमने इसमें हैव का इस्तेमाल किया है। और कोई जरूरी नहीं कि चुका है, चुकी है, वर्ड आए या है को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे। अगला सेंटेंस, अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। अरे यू आर जस्ट लुकिंग लाइक मी, अरे यू आर जस्ट लुकिंग लाइक मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 3 दिनों तक तुम्हारे होटल में रुकूंगा, मैं 3 दिनों तक तुम्हारे होटल में रुकूंगा। आई विल स्टे इन योर होटल फॉर 3 डेज, आई विल स्टे इन योर होटल फॉर 3 डेज। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया गया है तक के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तब हमको टिल लगाना पड़ेगा। अगर हमें कहना है कि संडे तक तो टिल संडे, हमें कहना है 10 बजे तक तो टिल 10 o'clock, तो आपको ये याद रखना होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम में टिल का इस्तेमाल करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस, यह हार देखकर भाभी जी खुश हो जाएगी, यह हार देखकर भाभी जी खुश हो जाएगी। भाभी जी विल बी हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस नेकलेस, भाभी जी विल बी हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस नेकलेस। तो दोस्तों, आफ्टर सीइंग देखकर के लिए मैंने आफ्टर सीइंग का इस्तेमाल कर किया है, जिसका सेंस से निकल रहा है कि देखने के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कुछ देर के लिए मनन करने दो, मुझे कुछ देर के लिए मनन करने दो। लेट मी पॉन्डर फॉर ए वाइल, लेट मी पॉन्डर फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल की जगह पर आप फॉर सम टाइम भी कर सकते हैं, कुछ समय तक, कुछ समय के लिए या कुछ समय तक, जो भी कह दें आप। तो यहाँ पर एक आपको नया वर्ड मिला, पॉन्डर, नया वर्ड पॉन्डर मिला। ब्रश करते करते बात नहीं करना चाहिए, ब्रश करते करते बात नहीं करना चाहिए। वाइल ब्रशिंग द टीथ वन शुड नॉट टॉक, वाइल ब्रशिंग द टीथ वन शुड नॉट टॉक। अब दोस्तों, यहाँ पर देखो, बात करते करते, खाते खाते, जाते जाते, जब क्रियाओं को रिपीट करते हैं तब हम लोग वाइल प्लस वर्ब में एनजी लगाते हैं। जैसे हमें कहना है खाते खाते, तो हम लोग बोलेंगे वाइल ईटिंग, जाते जाते वाइल गोइंग, कहते कहते वाइल सेइंग का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम लोग ने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने कहा है कि ब्रश करते करते बात नहीं करना चाहिए, मतलब तो फिर कॉमन सब्जेक्ट माना गया वन, वन का इस्तेमाल करते हमने लिख दिया। हम लोग वी भी कह सकते थे, वी शुड नॉट टॉक भी हम लोग कर सकते थे, वो भी हमारा सही रहता। नेक्स्ट सेंटेंस, ये एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं। ही हैज फॉलन इन लव विद अ गर्ल, ही हैज फॉलन इन लव विद अ गर्ल। यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। वो एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ चुके हैं, न बोलते हम लोग पड़े हुए हैं कह दिए हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल माना जाता है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो। तो देखिए, इसमें पहला सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। आई डिड नॉट नो दैट यू कुक्ड सो डिलिशियस फूड, आई डिड नॉट नो दैट यू कुक्ड सो डिलिशियस फूड। तो आपको ये नियम पता होना चाहिए कि जब पहला सेंटेंस पास्ट होगा तो अगला सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा वर्ब हेल्पिंग ऑफ, उसको भी हमको पास करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, पहले तंबाकू थूको फिर मुझसे बात करो, पहले तंबाकू थूको फिर मुझसे बात करो।
firstly spit out tobacco then talk to me firstly spit out tobacco then talk to me बहुत ही फनी सीन है दोस्तों ये नौकर है नौकर की तरह व्यवहार कर यू आर ए सर्वेंट एंड बिहेव लाइक अ सर्वेंट यू आर ए सर्वेंट एंड बिहेव लाइक अ सर्वेंट तो दोस्तों यहां पर मैंने जो क्लिपिंग्स की जो डायलॉग्स मैंने बोले हैं ये डायलॉग्स उस फिल्म के नहीं है मैंने अपने अपनी कल्पनाओं पर आधारित मैंने डायलॉग बनाए हैं जिससे मैं आपको अंग्रेजी की कुछ बारीकियों को बता सकूं तो आप लोग ये ना सोचिए कि मैं फिल्म की क्लिपिंग्स लेके आया हूं फिल्म के डायलॉग्स लेके आया हूं मैं अपने इमेजिनेशन से भी डायलॉग्स मैंने बनाया है और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कोई है क्या घर में कोई है क्या घर में इज देयर एनीवन एट होम इज देयर एनीवन एट होम इतना बड़ा बक्सा कोई कैसे चुरा सकता है इतना बड़ा बक्सा कोई कैसे चुरा सकता है हाउ कैन वन स्टील सच अ बिग बॉक्स हाउ कैन वन स्टील सच अ बिग बॉक्स हे भगवान तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो हे भगवान तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो ओ माय गॉड यू बोथ लुक अलाइक ओ माय गॉड यू बोथ लुक अलाइक तुमने मेरी शर्ट पहनी है तुमने मेरी शर्ट पहनी है यू हैव वॉर्न माय शर्ट यू हैव वॉर्न माय शर्ट दोस्तों ये फिल्म का डायलॉग नहीं है मैंने अपने मन से बनाया है जिससे मैं आपको टेंस कुछ बारीकियों को बताना चाहता हूं मेरे भाई तू कहां गायब हो गया था मेरे भाई तू कहां गायब हो गया था माई ब्रो वेयर हैड यू डिसअपियर्ड माई ब्रदर जिसको हम लोग माई ब्रदर भी कह सकते हैं वेयर हैड यू डिसअपियर्ड वो गधे की तरह मेहनत करता है पर अपना दिमाग यूज नहीं करता है वो गधे की तरह मेहनत करता है पर अपना दिमाग यूज नहीं करता है ही स्लॉक्स लाइक अ डंकी बट डज नॉट यूज हिज ब्रेन ही स्लॉक्स लाइक अ डंकी बट डज नॉट यूज हिज ब्रेन स्लॉक का मतलब होता है दोस्तों मेहनत करना अंधेरी रात थी भयानक सन्नाटा था अंधेरी रात थी भयानक सन्नाटा था जब हम लोग समय मौसम की बात करते हैं तब हमको हीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो अंधेरी रात थी तो यह अंधेरी रात थी हमने नहीं बोला तब भी हमने लिखा है इट वॉज डार्क नाइट देयर वॉज एन ईरी साइलेंस देयर वॉज एन ईरी साइलेंस और भयानक सन्नाटा था और का इस्तेमाल नहीं किया गया और हम लोग कह सकते हैं आपने 11 बजे पेमेंट देने की बात कही थी और अभी 11 को 2 मिनट बचे हैं आपने 11 बजे पेमेंट देने की बात कही थी और 11 को 2 मिनट बचे हैं यू हैड प्रोमिस्ड टू मेक माई पेमेंट एट 11 एंड इट्स 2 मिनट्स टू 11 एंड इट्स 2 मिनट्स टू 11 दोस्तों जब कुछ समय बचा रहता है जैसे यहां पर 11 बजने को 2 मिनट बचे थे तो हमने लिखा इट्स 2 मिनट्स टू 11 और हमें कहना है कि 10:45 बज रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 11 इट्स क्वार्टर टू 11 तो दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास था मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास के माध्यम से आप अपने अंग्रेजी की समस्याओं को ग्रामर ट्रांसलेशन करने में जो दिक्कतें आती है और सेंटेंस मेकिंग में जो दिक्कतें आती है वो आपको समझ में आएगा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन लिख के बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें बहुत से लोगों को शेयर करें चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपकी इंग्लिश सचमुच में बेहतर हो जाएगी मैं रात को ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ YouTube में रेनबो इंग्लिश में और मेरा एक और चैनल है रेनबो इंग्लिश विद दीपक जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ 1 मिनट के अंदर अपनी भतीजे के साथ दिशा के साथ तो वो भी आइए उसको देखिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपके सामने लाता हूँ जिसको मैं 1 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच